आज मैं जिस सक्सेस से आपको रूबरू कराने वाला हूँ, एक एक्टर है, डायरेक्टर है, लिरिसियस है, हिंदी सिनेमा से शुरू किया है और भोजपुरी सिनेमा में भी काम करते हैं, कुमाऊनी में भी काम कर रहे हैं, लगातार गाने लिख रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन कर रहे हैं। तो चलिए मैं उस शख्स से आपको रूबरू कराता हूँ, श्रीकांत भारती। आपसे मिलकर जब आपसे बात हुई तो परिचय हुआ तो पता चला कि हाँ ठीक है सारी चीजें। स्कूलिंग शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करी आपने? मैंने पढ़ाई लिखाई तो 15 घंटों कॉलेज से किया था। कहाँ तक की पढ़ाई हुई है आपकी? वैसे मैं हाई स्कूल तक किया था। हाई स्कूल। पहली बार कब जहन में आया कि आपको आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, या एक्टर बनना है, या डायरेक्शन करना है, या राइटिंग करनी है? देखिए वैसे तो मेरा जो है पारिवारिक संबंध से रहा है आर्टिस्टों का। पूर्व से मैं पैदा हुआ जी, ग्राम गाजीपुर तुमको ही का रहने वाला हूँ मैं, कुशीनगर का। तो हमारे परिवार में भी लोग जो थे नाइट ड्रामा में पहले थे। उसके बाद मैं देखता था कि यहाँ पर एक दिल्ली, जब मैं आठ में पढ़ता था जी, तो मैं गांव गया था तो मैंने एक देखा कि हमारा छोटा सा बच्चा एक मतलब आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा शो कर रहा। उसी समय से मेरे दिल में भी आ गया कि मैं भी कुछ करूँ। तो कक्षा आठ में पढ़ते ही मैं थोड़ा सा मैं शेर शायरी भी लिखता था, कहानियाँ भी लिखने लगा, गाने भी लिखता था, खुद गाए भी मैंने। उसके बाद फिल्म लाइन में आ गया। मतलब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन सा आदमी आपको कब इंस्पायर कर दिया, एक छोटे से बच्चे ने आपको इंस्पायर कर दिया इस लाइन में आने के लिए जी। तो उस बच्चे का अगर नाम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। नाम उसका दरअसल मैं एक पहली बार देखा था उसको, तो नाम से पता नहीं चल पाया। फिर आप पंतनगर आ गए होंगे वापस? नहीं, हाँ पंतनगर, हम 5-7 दिन बाद पंतनगर आ गए थे। कौन सा क्लास था या कौन सी वो उम्र रही होगी जब पहली बार इस लाइन में आप काम करने लगे? मैं उम्र था जब 20 साल से ऊपर। तो मैं एक गाना लिखा था बिजली गिर जाए के नाम से जी, खुद राइटर भी था, गाना भी गाया था। उसमें रील वाली जो कैसेटें चलती थी जी, उस समय जो था तब से मेरे जो है इच्छा। वो जो गाना बना होगा, आप एक गायकार भी हैं जी? पहले था, अब तो गाना छोड़ दिया, आवाज मेरा जो है कुछ तब गया। अगर आप थोड़ा सा गा के प्रेजेंट कर ले तो बहुत अच्छा लगेगा, 2-4 लाइन में। जो रील में गाना था जी, जो गाना गाया था मैं, कैसे तो गाना जी, मटक मटक जना, मटक मटक जना, चल गोरिया हो बिजली गिर जाए, अरे बिजली गिर जाए, रूपवा कमाल के बा, फैशन ने ताल के, लाल रे चुनरिया बाटे आचरा रुमाल के, यही सब कथनिया देखी बुढ़वा गिर जाई। यही गाना था। ये जब आपने ये जो किया पहली बार, जब ये सारी चीजें हुई, तो क्या उम्र रही होगी? 20-21 के थे आप? हाँ, 20-21 के ऊपर। घर वालों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ कि तुम इस लाइन में क्यों जा रहे हो, नौकरी करो या कुछ करो? नहीं नहीं, घर वाले तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था मेरा, और मेरा जो है मदद करते थे, मेरी वाइफ भी ज्यादा मदद करती थी। शादी भी कर चुके थे आप? जी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी हो चुके थे। तो आप ये मानते हैं कि शादी के बाद भी एक कामयाबी का दौर देखा जा सकता है? जी, इसकी कोई उम्र नहीं होती है, जब इच्छा होती है तब ये। आपका पहला गाना कंप्लीट हो चुका था? जी, पहला गाना मेरा यही था। इसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर उसके बाद फिर मैं प्रसिद्ध हो गया था, तो एक लेडी डकैत की फिल्म बन रही थी, जी नाहिद खान साहब भी थे हमारे साथ, कई लोग थे। नाहिद खान साहब बड़े अच्छे एक्टर हैं जी, मैं उनको तो सम्मान करता हूँ और मेरे मित्र भी बहुत इच्छा करने वाले थे। तो ये जो लेडी डकैत मेरा ऑफर मिला, उसमें होमगार्ड्स विभाग में था मैं जी, तो उसमें काम सिपाही के रोल में काम किया। ये फिल्म बड़े बड़े पर्दे पर कुशीनगर मेरे गांव में भी लग चुकी, बड़ा सम्मान मिला इस फिल्म को देखने से। पूरे बिहार में रिलीज, बिहार में रिलीज हुई थी, पूर्वांचल में रिलीज हुई थी, तो वहाँ पे लोग अच्छा परिचय मिला। उसके बाद में डीडी मेट्रो चैनल पर आ गया। डीडी मेट्रो उसमें बहुत फेमस चैनल था, क्योंकि कुछ ही चैनल आते थे उस समय। जी जी, बहुत कम चैनल आते थे, सरकारी चैनल था। उसमें मैंने जो है काम किया कॉमेडी रोल का। डीडी मेट्रो तक का एक सफर इतना आसान तो नहीं होगा, कुछ तो
कठिनाइयां क्या आई, जब मेरे दिल में जब थी इच्छा थी तो मैं बॉम्बे दिल्ली जाता था, पता करता था जी। मैं जब दिल्ली में गया था एक आईटेल फिल्म था उसमें इंटरव्यू देने के लिए जी। तो वहाँ से मुझे पता चला कि डीडी मेट्रो भी है, कुछ मेरे आर्टिस्ट मिले वो अपने साथ ले गए, तो वहाँ काम किया। ये काम तो चल रहा था लेकिन पैसे भी आ रहे थे या सिर्फ काम ही चल रहा था? नहीं, पैसे तो उसमें मुझे नया आर्टिस्ट था तो कम आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे खर्चा ज़्यादा हो रहा था, किराया भाड़ा होता है, खाना होता है, होटल रुकना, वहाँ से मिलता था मुझे 1,000 रुपये, खर्चे होते थे 2,000 रुपये। मगर एक दिल में एक हमारे जो है तमन्ना थी, तो इसलिए हम खर्चों नहीं देखते थे, करते थे। आज के दिन ऐसा है कि खर्चा कम होता है, पैसा ज़्यादा आता है। डीडी मेट्रो में भी आने लग गए थे, अब आगे क्या? अब आगे फिर फिल्मों में आया, फिर एक हमने एक कहानी लिखी है, शूटिंग होने वाली उसकी, सांस बीतिया टूटे ना। अच्छा, हिंदी में कहते हैं उसे सच्चा प्यार टूटे ना, उसमें राइटर में ही हूँ। उस फिल्म में मैंने जात पात, शिक्षा और दहेज, तीनों चीज़ को दर्शाया है जी। एक हमारे मित्र हैं, डायरेक्टर हैं, कौशल कुमार जी हैं, पूर्व रहने वाले हैं, डायरेक्टर हैं और राइटर भी हैं जी। तो उनके माध्यम से शूटिंग होने वाली है। यही पत्नगर, पत्नगर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही होगा, क्योंकि कुछ उसमें हमने कुमाऊँ का जो है कुछ कल्चर लिया है, तो कुमाऊँ में फिल्म होना जरूरी है। भोजपुरी फिल्मों से और कुमाऊनी फिल्मों में जाने का जो एक अलग सफ़र होता है, कुछ परेशानियाँ नहीं फेस करनी पड़ती है लैंग्वेज का, क्योंकि भाषा का एक थोड़ा सा रहता है? देखिए, जो कुमाऊनी जो है तो भोजपुरी बोला तो परेशानी हो गई बिल्कुल, और जो भोजपुरी का होगा कुमाऊनी बोले ऑटोमेटिक परेशानी होगी जी। मगर आर्टिस्ट में सब ये हो जाता है आजकल, ये डायरेक्टर जो होते हैं 2-3 बार करा के देख लेते हैं, बाद में डेबिंग हो जाती है, तो वैसे कोई परेशानी तो आता नहीं आर्टिस्ट को, कोई परेशानी नहीं। आपने गाना तो गा दिया लेकिन आप एक एक्टर भी हैं, तो एक मोनोलॉग या डायलॉग कुछ हो जाए तो मजा आएगा। मैंने एक डायलॉग लिखा था और बोला भी था, एक विलेन होता है तो मुझे बोलने के लिए दिया गया था जी। एक गाना है लिखा था, अभी एल्बम में था जी। तो उसमें एक फिल्म का मैंने जो है दिखा रहा, उसमें दिया गया है, एक विलेन होती है, उसकी ताई होती है, वो गुंडे को हीरो पिटवाने के लाती है जी। तो ये गुंडा जो उसके पास जाती है, वो गुंडा जो है दारू पीते रहता है शराब भट्टी पे, और वो वहाँ जो शराब पीते और लेडीज होती है आती है वो मैखाने वाली, तो डायलॉग विलेन बोलता है, ए मैखाने वाली यूं तो तेरी आंखों में शराब है जमाना हिल जाए, कब से बैठा हूँ तेरी चाह मुझे पैमाना मिल जाए, नाच आज तू नाचेगी और मैं गाऊंगा, नाच। अभी करंट सिनेरियो क्या है आपका, अभी क्या प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स ये है कि मैं भी कुशीनगर तुमको ही जाऊंगा जी, वहाँ कुछ आर्टिस्ट हैं उनसे मिलूंगा जी, और मुझे उत्तरांचल में ही फिल्म बनाने की योजना चल रही है, तो उसमें पूर्वांचल के कई लोग मेरे साथ हैं, वो सब मिलकर पूर्वांचल में, यहाँ उत्तरांचल में फिल्म बनाएंगे। आपने एक बहुत संघर्ष भरा दौर देखा होगा इस लाइन में, आर्टिस्टिक फील्ड में, तो जो नए युवा पीढ़ी आ रही है इस लाइन में, चाहे डायरेक्टर बनना चाह रही हो या एक्टर बनना चाह रही हो या सिंगर बनना चाह रही हो, उसके लिए कोई राय मशवरा या सजेशन? अगर कोई सिंगर बनना चाह रहा है, राइटर बनना चाह रहा है या आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि हिम्मत ना हारें। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो आप वहीं रुक जाएंगे, अगर हिम्मत से आगे काम करते हैं, हिम्मत अगर रहती है तो आप आगे कामयाबी मिल जाती है। अभी आपकी शादी हो गई थी, बच्चे बच्चे भी हो गए थे, क्या कर रहे हैं बच्चे, इस लाइन में कोई अभी आया है नहीं? नहीं, अभी इस लाइन में कोई नहीं है, मैं ही हूँ, सब अपने, एक लड़का मेरा मेट्रो सिटी में काम करता है, एक लड़का मेरे पास खुद अपने पर्सनल गाड़ियाँ दुकानें चलाता है, उन्होंने मुझे फ्री कर दिया है कि पापा आप फिल्म लाइन में देखिए या जो इच्छा वो करिए, उनको इस दुनिया से कोई वो नहीं ना, उनको हमारे लाइन से कोई उनका और सपोर्ट रहता है, जैसे कोई मेहमान आता है, कोई आर्टिस्ट आ जाते हैं, पूरा उनके सपोर्ट करते हैं, मुझे भी हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं पूरा। आप एक निर्देशक हैं, एक्टर हैं, राइटर भी हैं, तो हाल फिलहाल में कुछ राइटिंग वाइटिंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने एक छठ माँ के ऊपर गीत लिखा था, वो गाना मैंने जो है पूर्वांचल में सुनाया, दरअसल ये लेडीज़ के ऊपर गाना है, लेडीज़
गाती है, मैं तो राइटर हूँ। वो एक महिला होती है, उसके भाभी का कोई बच्चा नहीं होता है, वो देखती है कि छठ माँ पर लोग पूजा करते हैं, सारी मंगते पूरी हो जाती है। तो उसका भाई होता है विदेश में काम करता है, वो अपने भाई से कहती है गा करके, भैया हो हो भैया हो भौजी से कहिया छठ के व्रत करे हो, भैया हो का बतलाई कैसन बानी, भतीजा बिन तरसत बानी, परदेश छोड़ के घरवा आजा, भौजी के तू छठिया ले आजा, छठ के व्रत करो भैया हो भौजी से कहिया छठ के व्रत करे हो। छठ पूजा की मान्यता आपके या मेरे शहर या नगर में बहुत ज्यादा है, जी लोग बहुत ज्यादा मानते हैं छठ पूजा को। जो हमारे चैनल है फिल्म चल रही है, जिसके माध्यम से हम इंटरव्यू लाते हैं ताकि लोग मोटिवेट हो इस लाइन में जो आना चाहते हैं आर्टिस्टिक फील्ड में, वो कहीं ना कहीं से इंटरव्यू को देखे मोटिवेट हो इस लाइन में काम करने के लिए, उत्साह बेहतर जगह और आगे बढ़े। तो आप फिल्मी चाणक्य के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं फिल्मी चाणक्य के दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस लाइन में आना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप हिम्मत ना हारें, आप हिम्मत रखें, आगे बढ़ते जाएंगे, आपको शुभकामनाएं होंगी और मेरा शुभकामना है आपके साथ, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे श्रीकांत भारती जी, जो कि एक एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, और इनके इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें हमें जानने को मिली कि एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड हो के भी काम कर सकता है, हिम्मत नहीं हारना है आपको, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही मैं फिल्मी चाणक्य के माध्यम से नए नए इंटरव्यूज आप तक लाता रहूंगा, आप देखते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू सून।